गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब क्वेश्चन पढ़ के आप फिगर बना लोगे। आपसे फिगर बन गया तो क्वेश्चन एकदम आसान है। इस क्वेश्चन का महत्व सबसे बड़ा है क्या, क्वेश्चन की फिगर बनाना। तो पहले एक एक वर्ड को पढ़ के क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचर मीनार तौल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना दिया है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार जो है कहाँ खड़ा रहता है पहले बताओ, जमीन में। तो पहले हमको जमीन बनाना है, तो जमीन ऐसे बना लिए मैंने, ठीक। अब इसमें एक मीनार खड़ा कर देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं मैंने, ए और बी। ये मेरा क्या है, मीनार, ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हिंदी हम जानते नहीं हैं, कोशिश कर रहा हूँ, कहीं गलती होगा तो आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना दूर तक हो गया। अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर, सॉरी ये मीनार नहीं, ये भवन है। ये क्या है, ये भी मेरा भवन है, ठीक, ये भवन है। इसके शिखर पे चूड़ा लगा है, ये जैसे कि चूड़ा इस टाइप का रहता है, किसी किसी के घर पे भी तो रहता है, ठीक। ये भी भवन था, ए से लेके सी जो है चूड़ा है, क्या है, चूड़ा, ठीक है। चलो हो गया। अब क्या कह रहे हैं, भूमि के किसी एक बिंदु, भूमि तो ये है ना, भूमि में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, इस जगह पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, वो आपका मर्जी, कहीं भी ले लीजिए। मैंने इस जगह पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले रहा हूँ तो नाम दे देते हैं, ए बी सी दिए थे इसको, चलो यहाँ पे लिए थे ना, डी नाम दे दिए, ठीक। अब भूमि से क्या कह रहे हैं हम, देखिए भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा हूँ, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन सा पॉइंट है, ए, शिखर पर लगी, यहीं पे क्या लगा है मेरा, एक संचर मीनार, एसी क्या है मेरा, संचर मीनार। अब क्या कर रहा हूँ, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ एक बार, हमने जो संचर लगा है उसकी ये नीचे वाला देख रहा हूँ, एक बार उसके ऊपर में यही इसी बिंदु से देख रहा हूँ, इस जगह पे देख, ठीक है। अब कोण क्रमशः कितना हो जा रहा है, 45 से 60 डिग्री। इसी में भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है, ये 45 होगा कि ये 60 होगा, कहने का मतलब यहाँ से लेके ए और यहाँ से लेके ए वाली कौन 60 होगा कौन 45 होगा, इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। तो देखिए कहने का मतलब, आप यहाँ पे जो चिमनी है दूर से देखेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा एंगल बना के देखना पड़ेगा कि कम एंगल बना के देखना पड़ेगा, कम, ऐसे ही आँख को आपको ज़्यादा ऊपर उठाने नहीं पड़ेगा, ऐसे भी देख सकते हैं तो कम एंगल होगा, लेकिन चिमनी के पास जब जाकर के उसकी शिखर को देखना चाहेंगे तो आपका ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, जब ये ऊपर देख रहे हैं तो ज़्यादा एंगल होंगे, ये कितने डिग्री है आपका, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये वाली कितनी है, 45 डिग्री है। कितना दुख तक तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, हाँ बिल्डिंग भवन की ये दे चुके हैं हमको 20 मीटर, इतना आपको दिया हुआ है, ये क्या है क्वेश्चन सॉल्व में आपको दिया है, ठीक है, दिया है। ये भी जो भवन है, ये भी भवन जो है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर का, ये पता है। अब ये त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए बी डी एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, ये त्रिभुज की चिन्ह है, ए बी डी, ए बी डी में क्या कर रहा हूँ मैं, ए बी डी में आप देखो हमको किसको पता है, ए बी का पता है और ये बी डी पता नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ क्या, ए बी बटा क्या कर देते हैं, बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये 90° है ना, 90 के सामने वाला क्या होता है, कौन, ये आधार, ये लंब, तो लंब बटे मैंने क्या किया आधार, तो लंब बटे आधार कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 10 थीटा, 10 यहाँ पे कितने डिग्री है, 45 डिग्री, समझ में आया। तो ए बी का मान कितना है, 20, तो ए बी की जगह में 20 रखेंगे, बी डी तो मेरे को पता ही नहीं है, तो बी डी अब लिख दीजिए,
इक्वल्स टू 10 45 की मान कितना होता है 1, पता है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी डी बराबर कितने मिल जाएंगे आपको 20 मीटर, समझ में आ गया। तो बी डी का मान कितना पता चल गया मेरे को 20 मीटर। अब हमको ज्ञात करना क्या है, ये चीज इसको तो हमको पता नहीं है, इसी को x मान लीजिए, चूड़ा की जो लेंथ x मान लीजिए, मतलब AC कितना मान ले रहा हूं मैं x। अब क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, AC मैं कितना मान ले रहा हूं यहां पे x मान ले रहा हूं, ठीक। AC बराबर कितना है x मीटर, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये बड़ी वाली त्रिभुज ले लेंगे CBD। तो त्रिभुज CBD में हम क्या करते हैं, CB बटा BD कर देते हैं, क्या कर देंगे CB बटा BD। तो CB बटा जब हम BD कर रहा हूं त्रिभुज में, हम देख लेते हैं CB कौन है BD कौन है, CB लंब है BD कौन है आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, 10 कितनी डिग्री है 60 डिग्री। तो अब बताओ किसकी किसकी मान पता है और किसका पता नहीं है, BD तो अभी निकल चुका हूं कितना है 20, तो CB मींस कौन है, CB मींस AC प्लस AB, तो CB के जगह में AC प्लस AB लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बटा BD इक्वल टू कितना है 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब जिसका जिसका मान पता है उसी को हमको पुट कर देना है, AC कितना पता है x, तो AC की जगह में x प्लस AB कितना है 20, तो AB की जगह में 20, फिर BD भी कितनी है 20 इक्वल्स टू √3। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, हाँ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 इसके साथ इंटू होंगे तो x प्लस 20 और ये कितनी हो जाएंगे 20 √3। अब x का निकालना है तो x बराबर 20 √3 प्लस 20 इधर जाएंगे तो -20, और इसमें से हम 20 कॉमन ले लें तो पड़ा क्या रहेगा मेरा √3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, ये चूड़ा की। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।